हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ करियर क्वेस्ट अगेन। आज की न्यूज़पेपर सीरीज़ की अगली वीडियो में आई वेलकम यू ऑल। आज जो न्यूज़पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द न्यूज़पेपर ऑफ 19th of October 2021। तो आज के न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी हम वो सब डिस्कस करेंगे। और मैं पहले ही आपको बता दूँ वीडियो की स्टार्टिंग में कि इस वीडियो में मैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो जिसका दिल्ली एडिशन जो है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे और वडोदरा से भी इनके एडिशन्स आते हैं। बट यहाँ पे इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं दिल्ली एडिशन डिस्कस करने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो आज की जो सबसे पहली न्यूज़ जो फ्रंट पेज पे है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो यही है, पीएम एक्शन प्लान फॉर सिंगल एनवायरमेंट एक्ट, बर्थ सर्टिफिकेट फॉर सिटीजनशिप एंड जॉब क्लॉज इन FTAs। अब ये जो न्यूज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड सोशली इस न्यूज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये प्रपोजल दिया है। उनकी एक मीटिंग हुई थी हर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज के साथ, तो वहाँ पे एक जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे मिस्टर राजीव गौबा वो भी प्रेजेंट थे। तो उन्होंने एक 60 पॉइंट जो एक्शन प्लान है वो प्रपोज किया है, ठीक है, इस मीटिंग में, जो कि एक बहुत लंबी मीट चलने वाली एक मैराथन मीटिंग थी। तो इस एक्शन प्लान में उन्होंने ये प्रपोज किया है कि यहाँ पे हमें जो है बहुत सारे चेंजेस लेके आने हैं सो दैट वी कैन मेक गवर्नेंस बेटर एंड सिस्टम मोर एफिशिएंट। तो जैसे कि यहाँ पे पीएम ने एक बात पॉइंट आउट की कि अभी तक इंडिया में देखा जाए तो देर इज़ नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप राइट नाउ इन इंडिया, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स भी, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिटीजनशिप का प्रूफ क्या है, तो आप देखेंगे कि आधार कार्ड इज़ नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, आधार कार्ड इज़ अ प्रूफ ऑफ रेजिडेंटशिप। तो रेजिडेंट जो होता है वो सिटीजन नहीं होता, और हर सिटीजन जो होता है वो रेजिडेंट होता है, लेकिन हर रेजिडेंट सिटीजन नहीं होता। रेजिडेंट उसको डिफाइन किया जाता है जो इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहा है या आने वाले 6 महीने में भी एक फिक्स लोकेशन पे इंडिया में रहेगा विद इन द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग विच आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो आधार कार्ड इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, लेट मी टेल यू वंस अगेन। तो यहाँ पे वो उनका यही प्रपोजल है कि सिटीजनशिप जो है उसे बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अटैच कर दिया जाए कि जिस जगह पे कोई इंसान पैदा होता है उस जगह से ही उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, सो दैट कैन बी अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे आप ये भी देख लीजिए, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, तो इनकेस अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी, तो यू कैन ईजिली सी दैट राजीव गौबा इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। तो सितंबर 20 ऑनवर्ड्स ये मीटिंग शुरू हुई थी और तब से जो है ये प्लान चल रहा है। इसमें स्पेसिफिक मिनिस्ट्री को टारगेट किया गया है, बट अगर आप देखा जाए तो ब्रॉडली 3 चीज़ों में निकल के आती है। पहली चीज़ कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जाएगा फॉर गवर्नेंस, ठीक है, इम्प्रूविंग बिजनेस क्लाइमेट इन इंडिया एंड अपग्रेडिंग सिविल सर्विसेज। तो ये जो 3 एरियाज़ हैं, इस 3 एरियाज़ में ब्रॉडली फोकस होगा। देखो, इन्वॉल्व सारी मिनिस्ट्रीज थी, बट अल्टीमेटली जो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात की जाए तो इन 3 सेक्टर्स पे या इन 3 फैक्टर्स पे जो है स्ट्रेस किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टू अट्रैक्ट बिजनेस, डूइंग अवे विद कम्प्लीटली विद सर्टेन परमिशंस, मतलब कुछ ऐसी परमिशंस जो रिडंडेंट हो गई हैं या अननेसेसरी हैं या टाइम कंज्यूमिंग हैं, उनको जो है ऑल टुगेदर हटा दिया जाएगा अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 2, तो हम देखेंगे पेज 2 पे आगे जहाँ ये कॉन्टिन्यू हो रही है। तो खासकर जो है 10 सेक्टर्स में, एंड उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे टारगेट ये रखा है कि जो इंडिया की जो ईज़ ऑफ डूइंग सेक्टर है उसको वियतनाम और इंडोनेशिया के उस पर लेके आना है, कंपैरिजन में लेके आना है, क्योंकि वियतनाम और इंडोनेशिया जो है ऑफ लेट एक मैन्युफैक्चरिंग के काफ़ी जो हैं पॉपुलर हब्स बन के निकल रहे हैं।
बिकॉज वियतनाम में लेबर बहुत चीप है और रिसोर्सेज बहुत चीप हैं और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना भी बहुत इजी है, तो इसीलिए काफ़ी सारी जो इन्वेस्टमेंट है FDI इनफैक्ट वो साउथ ईस्ट एशिया में जो है जा रही है और उनमें से भी इन कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेट हो रही है. सो इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टू अट्रैक्ट FDI, ऑल्दो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट रेसिपियंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपियंट है FDI का, बट फिर भी जो है हमें ऐसे सेक्टर्स को टारगेट करना है जो लेबर इंटेंसिव हो, जैसे कि हमारा टेक्सटाइल है, जैसे कि हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर हैं, तो ये लेबर इंटेंसिव हैं. लेबर इंटेंसिव यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी मिलती है, यहाँ पे मशीन जो है रिप्लेस नहीं कर सकती है टू अ वेरी बिग एक्सटेंट. जैसे अगर मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो वहाँ पे आप ऑटोमेटेड प्लांट्स भी देख सकते हो कि पूरे पूरे प्लांट में ह्यूमंस कम और मशीन ज़्यादा काम कर रही हैं, तो इन दैट केस जो है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट नहीं हो रही है. बट इफ़ यू सी टेक्सटाइल सेक्टर, तो अगर जब चाहे कपड़ा एक मशीन बना सकती है, लेकिन मशीन पूरी की पूरी शर्ट सिल के बहुत मुश्किल से ही दे सकती है, क्योंकि उसका कॉलर अलग बनता है, उसके कफ्स अलग बनते हैं, उसकी स्लीव्स अलग बनती हैं, देन उसका मिड सेक्शन अलग बनता है, देन यू हैव टू स्टिच बटन्स ऑन देम. तो इसीलिए ये जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और यही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं वियतनाम और इंडोनेशिया को जो है पुल कर रहे हैं टूवर्ड्स बेटर इनकम. तो गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पे दे रही है, ठीक है. और इसके अलावा स्टेट्स को इंसेंटिव मिलेगा अगर वो टाइमली जो है लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं और फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है. अच्छा, एनवायरनमेंट सेक्टर में एक बहुत ही ज़्यादा जो मैं कहूँगा आप कह सकते हैं कि एक वाटरशेड मूवमेंट ये आने वाला है कि एनवायरनमेंट के लिए अभी बहुत सारे लॉज हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो ये बहुत सारे लॉज जो हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक्ट है, ठीक है. तो ये बहुत सारे जो लॉज जो है ना ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से डील करते हैं. तो गवर्नमेंट ने ये सजेस्ट किया है या इस मीटिंग में इस एक्शन प्लान में ये सजेस्ट हुआ है कि एक ही लॉ बनाए एनवायरनमेंट के लिए जो जिसका नाम होगा एनवायरनमेंट मैनेजमेंट एक्ट, जो बाकी सारे जो जितने जितने लॉज हैं उन सबको जो है सब्स्यूम कर ले इन द सेक्टर. यानी एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाना है, ठीक है, जिसमें कोई चाहे आपका एयर पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ हो, लैंड पोल्यूशन से रिलेटेड हो, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड हो, फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ग्रासलैंड से रिलेटेड हो, कॉम्प्रिहेंसिव वन सिंगल एनवायरमेंटल लॉ, सो दैट मल्टीपल लॉ की वजह से जो कन्फ्यूजन्स आती हैं या ओवरलैपिंग क्रिएट होती है उसको जो है डू अवे किया जा सके. ऐसा नहीं है कि हम एनवायरनमेंट पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है. एनवायरनमेंट पे और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट हाँ जो अननेसेसरी और रिडंडेंट कंडीशंस जो हैं जो पुराने टाइम से चलती आ रही हैं उनको जो है अब रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है. इसके अलावा स्किलिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाएंगे, और स्किलिंग प्रोग्राम्स कैसे, एमर्जिंग सेक्टर्स के लिए. ऐसा नहीं है कि स्किलिंग प्रोग्राम्स अब इलेक्ट्रिकल के फील्ड में स्किलिंग, तो उसमें ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अमर्जिंग सेक्टर्स जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अमर्जिंग सेक्टर निकल के आ रही है, डिजिटल कम्युनिकेशन एक अमर्जिंग सेक्टर निकल के आ रही है, तो यहाँ पे स्किल इन्हेंसमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आप चलाएं. स्टार्टअप्स के लिए मेंटरिंग, ठीक है, अभी आपने देखा होगा पिछले साल काफ़ी सारी स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू हुई हैं और कितनी सारी ही स्टार्टअप जो हैं इंडिया की वो यूनिकॉर्न बन गई हैं. अब यूनिकॉर्न में आपको बता दूं जिनको नहीं पता, तो यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप को कहा जाता है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है यानी मार्केट प्राइस जो है उस कंपनी की वो $1 बिलियन यानी करीब करीब 7,500 करोड़ को एक्सीड कर जाती है. तो 7,500 करोड़ से ज़्यादा किसी कंपनी की अगर मार्केट वैल्यूएशन पहुँच जाती है तो उसे हम यूनिकॉर्न कहते हैं. तो ये सारा का सारा जिम्मा जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सिर ही आएगा. और इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो है वो एनवायरनमेंट के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रहेगा. और उसके अलावा स्किल प्रोग्राम और जो इंसेंटिव्स वगैरह हैं वो नीति आयोग देखेगा. तो करीब करीब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और जो है साथ में नीति आयोग जो है इसमें एक लीड रोल प्ले करेंगे, ठीक है. और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे जिसमें आप देख सकते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जाएगा फॉर इम्प्रूवमेंट इन गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस यानी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रही है उसको जो है बेटर और एनहेंस करने के लिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है. डिसबर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप्स, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलरशिप्स जो बच्चों को आती है गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए जो है उनको
डायरेक्ट डिसबर्समेंट की जाएगी उनके अकाउंट्स में, उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, जैसे उनका आधार कार्ड उनके अकाउंट के साथ लिंक कर दिया और उसी आधार कार्ड को जो है उनकी स्कॉलरशिप के साथ मैच करके फिर जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। इसके अलावा देर इज़ अ डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड कैसे है, दैट पीपल इन रूरल एरियाज ऑफन फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि उनके पास ना तो स्मार्टफोन होते हैं ना कोई और डिवाइसेस हैं, जबकि जो अर्बन एरियाज में हैं उनके पास फिर भी स्मार्टफोन्स या लैपटॉप्स या टैबलेट्स वगैरह होते हैं टू एक्सेस दी एजुकेशन, क्योंकि हाल ही के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन चली गई थी ड्यू टू लॉकडाउन। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको कवर अप कैसे करना है, स्पेशली फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड, कि इंडिजिनस जो टैबलेट्स हैं लैपटॉप्स हैं उनको डेवलप किया जाए, ठीक है, जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाए। देखिए अभी लैंड रिकॉर्ड के उसमें जो फील्ड में आप देख रहे हो इंडिया में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक जो है चेंज आने वाला है। गवर्नमेंट प्लान कर रही है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, उससे क्या होगा कि जितने भी ये बेनामी प्रॉपर्टीज हैं ये सब निकल के आएंगी, प्लस जो जो फ्रॉड्स वगैरह हो जाते हैं नकली पेपर्स बनवा के, जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी खोसला का खोसला, तो उसमें जो वो मिस्टर खोसला के साथ होता है वो एक लैंड फ्रॉड है, तो अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाती है तो वो चीज़ बच सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सारा काम जो होगा ये सारा दारमदारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास जाएगा, ठीक है। अब इसके मिनिस्टर कौन है, मिस्टर अश्विनी वैष्णव, आपको याद ही होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे भूपेंद्र यादव हैं, और जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है, जो मिस्टर पीयूष गोयल के पास है, ठीक है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस हैं ये यहाँ पर प्रपोज किए गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पे हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट जो सॉरी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो अपनी स्पेंडिंग जो हैं उसको स्पीड अप करें। स्पेंडिंग कौन सी, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट यूज करती है किस चीज़ के लिए, एसेट्स क्रिएट करने के लिए, जैसे हाईवेज रोड्स ब्रिजेस वगैरह जो बना रही है गवर्नमेंट उस पर जो पैसा लग रहा है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे जो है कुछ ना कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर के सेक्टर में गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने में पैसा लगाती है या कोई स्कूल बनाने में पैसा लगाती है या कोई यूनिवर्सिटी बनाने में पैसा लगाती है, सो दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हर मिनिस्ट्री को कहा गया है कि आप जो है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे और ज़्यादा फास्ट करें, ठीक है, इंक्रीज ना करें बट फास्ट करें, टाइम ना लगाएं उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, उन्हें टाइम टू टाइम या टाइम से पहले उन्हें प्रोजेक्ट्स को पूरा करें, क्योंकि ये जो है एक इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बनती है इन इकोनॉमी, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है बहुत सारा ये भी सजेशन दिया गया है कि जो ये ऑफिसर्स हैं इनकी ट्रेनिंग जो है वो मतलब नए उस पर पैटर्न्स पे की जाए, ठीक है, एक इन्फ्यूजन ऑफ एक्सपर्टीज आए, मतलब एक्सपर्ट्स जो हैं उनको आप लेके आइए गवर्नमेंट में, एक्सपोजर टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आए, क्योंकि अभी भी आप सरकारी ऑफिसेज में जाएंगे तो आप वहाँ देखेंगे बहुत ही पुराने तरीके से काम हो रहा है, ऑल दो कंप्यूटराइजेशन हो गई है बट उस एक्सटेंट पे नहीं हुई है जिस एक्सटेंट पे। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, पासपोर्ट ऑफिसेज हैं, पासपोर्ट ऑफिसेज में आप गए होंगे वहाँ फटाफट ऑनलाइन सारा काम चलता है, तो वहाँ पे आप फाइलें कम देखते हैं, कागजी काम कम देखते हैं और ऑनलाइन काम ज़्यादा देखते हैं, और इसीलिए आपका पासपोर्ट जो है बहुत जल्दी आप पुराने टाइम के कंपैरिजन बहुत जल्दी अब इशू होने लग गया है। तत्काल में ना भी इशू करवाएं तो नॉर्मली भी जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन होती है वेरिफिकेशन के 7th day जो है आपको मोस्ट लाइकली पासपोर्ट मिल जाता है। इट इज़ ऑल बिकॉज वो प्रोसेस को में जो है एक्सपर्ट्स को लेके आया गया है, टेक्नोलॉजी को लेके आया गया है, तो कुछ वैसे ही कह रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं खासकर सुन लीजिए जो IAS IPS बनना चाहते हैं, तो उनका जो है परफॉर्मेंस बेस्ड वर्किंग जो है वो आएगी, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में होता है ना कि जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस होती है उस हिसाब से फिर आपको ट्रीट किया जाता है कंपनी में, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही लेके आने की कोशिश है, विच इज़ अ वेरी ड्रास्टिक रिफॉर्म जिसकी ज़रूरत भी है विद द टाइम, ठीक है। तो ये जो हम अफसर यूज़ करते हैं ना कि एक फ्रेज कि सरकारी काम तो ऐसे ही होते हैं लटकते रहते हैं, तो वो जो एक स्टीरियोटाइप बन गया है उसको ब्रेक करवाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। और कहा गया है कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी डिपार्टमेंट्स की
हर 10 साल बाद, क्योंकि वक्त के साथ बदलना पड़ता है, तो वक्त के साथ जो नहीं बदलता वो पैरिश हो जाता है। सो दिस इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट। आगे फिर आप यहाँ पे एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स ने जो है उड़ीसा का जो स्पोर्ट्स मॉडल है उसे जो है इम्प्लीमेंट किया है नेशनल लेवल पे, जिसकी वजह से उनको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इस मीटिंग में यही कहा गया है, पीएम ने यही सजेशन दिया है कि आप एक दूसरे से सीखिए कोई एक पर्टिकुलर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे आरबीआई एक मास्टर सर्कुलर निकालती है वो सब पे इम्प्लीमेंट होता है, तो वैसे ही ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस को जो है कहा गया है कि आप भी मास्टर सर्कुलर निकालने शुरू कीजिए जो सबके सब पे इम्प्लीमेंट होगा। हर डिपार्टमेंट के लिए अलग मत निकालिए क्योंकि उसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होता है, ठीक है। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर आप ज़रूर एक बार देखिएगा कि नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन जो है वो इसलिए डेवलप किया जा रहा है ताकि इन सारे जितने भी ये इनिशिएटिव्स हैं इन सबको एक ही जगह, एक ही डैशबोर्ड पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड किया जा सके। इंटीग्रेटेड कमांड एंड सेंटर सिस्टम्स, जैसे इस टाइम पे IC4 चल रहा है, वो क्रिमिनल कमांड एंड ट्रैकिंग सिस्टम वगैरह जो है सेटअप किया गया है, कुछ कुछ उन्हीं लाइन्स पे प्राइवेट सेक्टर से जो है कहा गया है कि वो शहर को, लोकल बॉडीज को ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे गवर्नेंस जो है और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा एक्सपेडाइट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा जो है ध्यान दिया गया है कि पॉवर्टी एलिवेशन पे, तो पॉवर्टी एलिवेशन जो है उसको इरेडिकेशन इनफैक्ट जो है विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये कहा गया है कि आप घर बनाइए ताकि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो जब काम करने के लिए आते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह, तो वो स्लम्स ना डेवलप करें, वो इन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज को यूज़ करें, ताकि ये जो स्लम, ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ हमारी बनती हैं, ये जो बस्तियाँ बनती हैं, ये ना बने, उनके पास रहने के लिए प्रॉपर पक्के घर हों जहाँ पे प्रॉपर हर तरीके की एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए, लाइक टॉयलेट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, ठीक है, एजुकेशन एक्सेस, हेल्थ केयर एक्सेस, ये सब उन रेजिडेंशियल फैसिलिटीज में अवेलेबल हो, राइट। तो ये सारा जो है पीएम का मास्टर प्लान है, तो अब ये इम्प्लीमेंट होगा इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, सो लेट्स सी क्या निकल के आता है। देन दूसरी जो न्यूज है यहाँ पे वो है, सुप्रीम कोर्ट ने JNK के एडवोकेट थे उनका नाम 3 बार रेकमेंड किया है फॉर हाईकोर्ट जज, बट गवर्नमेंट ने अभी तो उसे क्लियर नहीं किया है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर होता है जो गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक, कह लीजिए आप, अग्रीमेंट है कि एक प्रॉपर प्रोसेस जो है रिटन फॉर्म में तो नहीं है, बट एक अनकन्वेंशनल और एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम के बीच में कि हम जो नाम रेकमेंड करेंगे आप वो नाम जो है आगे फॉरवर्ड करके उनकी अपॉइंटमेंट कर देंगे टाइम टू टाइम विदाउट एनी डिले। तो इससे क्या होगा कि जुडिशरी जो है ये भी इंश्योर कर लेगी कि देर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को ये भी एश्योरेंस मिल जाएगी कि ठीक है हमें टोटली साइडलाइन नहीं किया गया है, हम जो हैं अभी भी इस गवर्नेंस का पार्ट हैं। ऑल्दो आर्टिकल 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियरली कहता है देर मस्ट बी सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्व ना हो इसीलिए जो है ये कोलिजियम सिस्टम निकल के आया था 3 जजेस केस में। तो इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जब किसी हाईकोर्ट के जज का, जज के लिए किसी का नाम रेकमेंड करना होता है तो वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके साथ दोस्त, उनके बाद जो सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो, प्लस जिस हाईकोर्ट में वो अपॉइंटमेंट होनी है वहाँ के चीफ जस्टिस और वहाँ के जो टॉप 5 वो होते हैं सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, टोटल 5 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो वो नाम रेकमेंड करके इन सुप्रीम कोर्ट वाले 3 बंदों के कोलिजियम के पास भेजते हैं, और कोलिजियम जो है फिर ये नाम आगे फॉरवर्ड करता है गवर्नमेंट को फॉर अपॉइंटमेंट, और प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो थ्रू गवर्नमेंट ही होती है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में ये कहते हैं कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नाम जो है रेकमेंड किया है गवर्नमेंट उसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है ओनली ऑन
ग्राउंड्स की वहाँ आईबी की जो रिपोर्ट है वो एडवर्स हो, ठीक है, अगर वही नाम पूरा कोलिजियम दोबारा रिएट्रेट कर देता है, मतलब दोबारा वही नाम रेकमेंड कर देता है, तो गवर्नमेंट को उसे जो है इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट जो है उस मतलब रिटर्न कहीं पे भी नहीं आ गया, मैं आपको साफ साफ बता दूं, बट गवर्नमेंट मजबूर है काइंड ऑफ इस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत कि उस इंसान का जिसका नाम दोबारा रेकमेंड किया गया है उसे जज अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये न्यूज़ इसीलिए आई है कि नाम 3 बार रेकमेंड हो चुका है लेकिन गवर्नमेंट ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है, तो यहाँ पे यही न्यूज़ है। तो आप याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, किसकी रिकमेंडेशन पे, कोलिजियम की रिकमेंडेशन पे, कोलिजियम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके साथ उनके 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स, और उनके पास जो नाम भेजे जाते हैं वो हाई कोर्ट का कोलिजियम भेजता है, जिस हाई कोर्ट के कोलिजियम में उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5-4 सीनियर मोस्ट जजेस बैठे होते हैं। तो इसीलिए जो है ये एक न्यूज़ बनी है, ठीक है, तो जे एंड के हाई कोर्ट के रिलेटेड। देन नेक्स्ट न्यूज इज WHO अभी भी कोवैक्सीन को जो है EUL नहीं प्रोवाइड करेगी। व्हाट इज EUL? इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, ठीक है। तो देखिए किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, तो अभी जो है सारे वर्ल्ड ने अपने सारे रिसोर्सेज सारी जो है एनर्जी लगा दी, तो इतनी जल्दी जो है ये कोरोना वायरस के अगेंस्ट हम लोग ये वैक्सीन डेवलप कर पाए हैं। तो ऐसे में जितनी भी ये वैक्सीन डेवलप होती हैं तो इंटरनेशनली अगर ये यूज़ करनी है, डोमेस्टिकली अगर कोई कंट्री ने डेवलप किया है तो वो डोमेस्टिकली कर सकता है, दैट इज़ अप टू देम एंड देयर रेगुलेटर्स कि वो उसे अलाउ करते हैं या नहीं करते। पर अगर इंटरनेशनली उसे यूज़ करना है तो WHO का अप्रूवल मैंडेटरी होता है। तो WHO जो उसे अप्रूव करती है वो आफ्टर स्टडिंग द डेटा ही करती है। तो WHO अब देखिए कोवैक्सीन जो है वो 66% के अराउंड, 66-67% के अराउंड जो है इफेक्टिव निकल के आई है, एंड मोर ओवर इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट द डेल्टा प्लस वेरिएंट आल्सो, जो सबसे अभी तक का डेंजरस वेरिएंट माना गया है उसके अगेंस्ट भी इफेक्टिव निकल के आई है। बट इसकी जो इमरजेंसी यूज लिस्टिंग है WHO के थ्रू वो नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि WHO ने जो इनसे डाटा मांगा था, अब किसी भी वैक्सीन को ट्रायल्स होते हैं आपको पता ही होगा, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल और फेज 3 ट्रायल, तो ये सारा जो डेटा यहाँ से जनरेट होता है ये सारा का सारा डाटा जो है WHO के साथ शेयर किया जाता है, जिसके बाद WHO के अपने एक्सपर्ट्स जो हैं वो इसे स्टडी करते हैं थॉरली, थॉरली स्टडी करने के बाद उस वैक्सीन को अप्रूव करते हैं। तो WHO की कंडीशन है कि अगर किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करना है तो वो कम से कम 50% एफिशिएंट होनी चाहिए, कितना 50% एफिकेसी उसकी निकल के आनी चाहिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि कोवैक्सीन की एफिकेसी इज 66-67%, तो ये एलिजिबल है, बट अगेन डाटा जो है वो सबमिट जब तक नहीं होगा तब तक इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग जो है वो इसको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए WHO ने कहा है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम किसी के फेवर में नहीं है, बट हम जो है अपना प्रोसीजर जो है किसी भी वैक्सीन को क्लियर करने का वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसे शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे जैसे हमारे पास डाटा आता जाएगा हम वैसे वैसे उसे स्टडी करके अपना डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो अभी तक यही आ रही थी कि चाइना की जो वैक्सीन है जिसे WHO ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है और काफ़ी टाइम हो चुका है, उसकी एफिकेसी जो है हार्डली 51% है, हार्डली 51-52% है। तो WHO ने उस वैक्सीन को ओके कर दिया है, लेकिन जो इंडियन मेड वैक्सीन है उसे अभी तक अप्रूवल प्रोवाइड नहीं की है। तो इसीलिए WHO का जो है प्लस उसका जो रोल था इस पर्टिकुलर पैंडेमिक को लेके और जिस तरह से WHO ने जो है डिसीजंस लिए हैं, तो इस सब को लेके भी WHO की क्रेडिबिलिटी जो है काफ़ी तक तौर पर हर्ट हुई है। तो इसी वजह से जो है WHO के ऊपर प्रेशर बहुत आ रहा है। तो WHO बार बार यही कह रहा है कि वी आर नॉट अगेंस्ट इंडिया और इंडियन वैक्सीन, बट हम अपना प्रोसीजर जो है उसे पूरा ही करेंगे। तो ये डाटा जो है कोवैक्सीन डेवलप किसने की है, भारत बायोटेक ने डेवलप की है, प्लीज़ याद रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है। तो कोवैक्सीन डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो उन्हें डेटा प्रोवाइड कर रही है, और डेटा प्रोवाइड करके उसके बाद जो है स्टडी करके WHO कह रही है कि
कि हम उसे एमरजेंसी यूज दे देंगे, राइट। अब भारत बायोटेक इज द कंपनी जिसने ये मैन्युफैक्चर की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज़ द मैन्युफैक्चरर, ठीक है। और आज भी इंफॉर्मेशन जो है जाएगी। अब WHO की जो टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, ठीक है, वो ये सारे डिसीजन लेती हैं। WHO की जो ये टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है, ठीक है, व्यू उसको वैक्सीन्स को लेके सारे जो डिसीजन है वो यही लेती है, और इनकी फाइनल रिकमेंडेशन होती है कि किसी भी वैक्सीन को एमरजेंसी यूज लिस्टिंग दें या ना दें। फिर तो एज आई सेड कि भारत बायोटेक इज हैदराबाद हेडक्वार्टर में, हैदराबाद में उसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। और WHO की चीफ साइंटिस्ट कौन है वो भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका नाम, WHO की चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। यस, शी इज एन इंडियन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, शी इज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पे। मैं नेगेटिव न्यूज़ मैंने आपको पहले ही कहा था मैं नहीं डिस्कस करूँगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये दिल्ली की न्यूज़ है, सर गंगाराम हॉस्पिटल EDC पूल्स, प्रगति मैदान का जो ये कॉरिडोर है वो डेवलप हो रहा है, ठीक है, ताकि इंडिया के नॉट सो इम्पोर्टेंट। देन इज अगेन द सिटी, दिल्ली की ही न्यूज़ है, लोकल न्यूज़ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। आर्मी चीफ जो हैं वो जम्मू पहुंचे हुए हैं, ठीक है, जनरल MM नरावने, तो ये जम्मू पहुंचे हैं 2 दिन के विजिट पे, ठीक है। तो जनरल MM नरावने जम्मू इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जम्मू में आपको पता है पिछले काफ़ी टाइम से जो है एक इनकाउंटर चल रहा है जिसमें आर्मी जो है दे उनके 9 जो सोल्जर्स हैं वो मार्टियर हो चुके हैं, और टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक नहीं मिले हैं, बिकॉज वहाँ पर जो टेरेन है, वहाँ पे जो जंगल है, उस वजह से उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, आर्मी ने उन्हें एनसर्कल कर लिया है, उस एरिया में ज़रूर पता लग, एरिया का ज़रूर पता लग गया है कि किस एरिया में वो छुपे हैं, उस एरिया को पूरी चारों तरफ से घेर लिया गया है, और धीरे 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 जो है आर्मी अंदर जो है मूव कर रही है, तो उनको जो है पूरा होलअप कर लिया गया है, और आज नहीं तो कल जैसे ही उनके जो एम्युनिशन है वो ख़त्म होंगी, देन इट विल बी वेरी ईजी फॉर देम, फॉर दी आर्मी टू हंट देम डाउन, ठीक है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और सिक्योरिटी सिचुएशन जो हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में जो सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आर्मी चीफ जो है जनरल MM नरावने वो पहुँचे हैं कहाँ पे, जम्मू में। ये देखिए सर अमित शाह यहाँ पे जो है सिक्योरिटी मीटिंग जो है वो उन्होंने अटेंड की है। देन इज दिस इम्पोर्टेंट न्यूज, इंडिया इजराइल टू रिन्यू नेगोशिएशंस ऑन FTA। FTA मैंने अभी आपको बताया है कि व्हाट इज एन FTA, FTA इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली होता क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज नथिंग कि जब आप जैसे अभी मैं कोई चीज़ बाहर से मंगवाता हूँ तो मुझे उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद उस पर GST अलग से लगता है, अगर वो सर्टेन कैटेगरी में आता है तो उस पर GST भी लगता है, तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी भी लगती है। तो ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जब आप किसी कंट्री के साथ साइन कर लेते हो, तो वहाँ अगर उस पर्टिकुलर कंट्री से मैं कोई भी ऐसी चीज़ मंगवाऊँ जो उस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ऑलरेडी मैंशनड है, तो मुझे उस पर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मैं सिंपली जो लोकल टैक्स है यानी GST है, जो भी उस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे उस पर GST लगता है, चाहे 12% लगे, चाहे 18 लगे, चाहे 28 या 5% लगे या एग्जेम्प्टेड हो, तो वो उसी वजह से ट्रीट किया जाएगा।
सिमिलरली अगर यहाँ से कोई चीज उस पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती है तो वो जो पर्टिकुलर कंट्री है वो भी उस पर कोई टैक्स नहीं लेगा, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लेगा। यही होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। लोकल टैक्सेस लगते हैं आपके, जो सेल टैक्स या GST वगैरह होगा वो लगेगा, लेकिन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती हैं वो सब हटा दी जाती हैं। सो बेसिकली इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा कंपेटिटिव बन जाते हैं और ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए इसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इंडिया और इसराइल जो है वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है दोबारा रीन्यू करेंगे रिनेगोसिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और ये कह रहे हैं कि जो नेगोशिएशन जो अग्रीमेंट है वो हम इतने होपफुल हैं कि अगले साल यानी 2022 के मिड तक यानी जून तक वो फाइनलाइज हो जाएगा और हम उसे साइन करने के लिए रेडी होंगे। तो एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करना किसी भी कंट्री के साथ बहुत बड़ी बात होती है। तो इंडिया का क्या अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है किन्हीं कंट्रीज के साथ? बिल्कुल है। इंडिया का हाल इस टाइम पे जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो है एशियान कंट्रीज के साथ, जो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं उनके साथ हमारा एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट अभी भी इफेक्टिव है और अब भी चलता है, लेकिन उसका हम अच्छे से फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं। तो वो जो PM का हमने ऊपर न्यूज़ पढ़ी थी ना, 60-point एक्शन प्लान था, तो उस एक्शन प्लान में एक चीज़ ये भी थी कि आपके बाद जो हम निगोशिएट करा करेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, तो उसमें हम जॉब्स का भी एक पर्सपेक्टिव सामने रखा करेंगे, क्योंकि देखिए इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो जितना ज़्यादा अवेलेबल होगा ह्यूमन रिसोर्स उतना ही हम उसे जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ फ्री ट्रेड गुड्स में नहीं रखना है, सर्विसेज में भी रखना है, ताकि हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो उन कंट्रीज में जाके उन कंट्रीज की मार्केट को अच्छे से एक्सप्लॉयट कर सके, क्योंकि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जितना वो सर्विसेज में स्ट्रांग है। तो सर्विसेज सेक्टर में जो है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा, तो इसीलिए वो कहा गया है। तो आई होप आपने यहाँ पे देखा होगा, क्योंकि मिस्टर एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इसराइल में हैं, और इसराइल में आपको पता ही है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग भी हुई है जिसमें USA, इंडिया, इसराइल और UAE इन चारों कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वहाँ पे एक मीटिंग की है। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ पे देख मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसराइल जो है उसने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है उसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो इसराइल जो है अब अपनी नॉलेज जो है, जो आपको पता ही है इसराइल एक बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री है। ठीक है, तो रिन्यूएबल के फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इसराइल जो है वर्ल्ड लीडर माना जाता है इन टेक्नोलॉजीज़ में, तो वो जो है अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दे पाएगा अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स आपको पता ही है गुरुग्राम में है, और ये इंडिया और फ्रांस ने 2015 में स्टार्ट किया था, यहाँ पे क्लियरली मेंशन भी है। ठीक है, तो अब वो इसराइल अपनी नॉलेज और एक्सपर्टीज जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से देख पाएगा। तो वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन हैं प्लीज़ याद रखिएगा, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंताली नेफिट। ठीक है, और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं यार लेपिड। नेक्स्ट, अच्छा आप जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का थैंक यू दैट यू हैव कंसीडर्ड माय वीडियो वॉचिंग। तो अगर आप में से किसी का ऑप्शनल
ये सही आर है, यानी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो आर्टिकल है, ये अ न्यू क्वाड इन वेस्ट एशिया विच इज़ रिटन बाय द राजमोहन सी राजा मोहन, ठीक है, तो ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़िएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। पहले भी मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे मैं एडिटोरियल्स डिस्कस नहीं करूँगा, इस वीडियोस में मैं सिर्फ न्यूज़ ही डिस्कस करूँगा, और वो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सिर्फ वो, पूरा न्यूज़पेपर यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये एक्सप्लेन्ड पेज है, ये आप चाहते हैं तो यू कैन रीड देम, इट इज़ अ गुड पेज। ऑलराइट, बाकी ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है, इसका हमने कल की वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो इन केस यू आर वाचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आप प्लीज़ कल की यानी 18 अक्टूबर की वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने अच्छे से ये टॉपिक जो है डिस्कस किया है। ओके, तो अब दो टॉपिक्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इंटरनेशनली, उसमें हम ज़्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जाएंगे। एक तो है रशिया शटडाउन्स मिशन इन टू नेटो इन स्पायरो। तो देखिए हुआ क्या था कि बेसिकली जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है, तो उनके यहाँ रशिया जो है अपना एक डिप्लोमेटिक ऑफिस मेंटेन करके रखता है, तो वहाँ से 8 रशियंस को जो है सस्पेंड कर दिया गया है, नेटो ने एक्सपेल कर दिया है, ये कह के कि ये लोग इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और इनका जो ब्यौरा है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो रशिया ने कहा है कि ये जो है सरासर एक हमारी सोवरेनिटी पे अटैक है, और रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कि नेटो जो है उसका जो मिलिट्री मिशन है कहाँ पे, मॉस्को में, मिशन यानी मिलिट्री मिशन, यानी ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या फौज उतार रखी है, मिशन मीन्स डिप्लोमेटिक मिशन, तो वो जो मॉस्को में उनका नेटो मिशन है उसको जो है उसके कुछ पर्टिकुलर जो स्टाफ है उनका भी जो है एक्रेडिशन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जब भी कोई डिप्लोमेट किसी और कंट्री में अपॉइंट होता है तो वो डिप्लोमेट अपनी गवर्नमेंट के हेड की तरफ से एक लेटर ऑफ एक्रेडिशन लेके जाता है, जिसको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं, और वो क्रेडेंशियल्स जिस कंट्री में वो गया है उस कंट्री को प्रेजेंट, उस कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को प्रेजेंट करता है। वो क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट होने के बाद ही वो जो डिप्लोमेट है उस पर्टिकुलर कंट्री में डिप्लोमेट की पोजीशन उसको मिलती है, और फिर वियना कन्वेंशन के अंडर जो उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है वो ग्रांट की जाती है। तो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये इंडिया में आप देख सकते हैं बहुत पुराना जो है, यानी राजा महाराजाओं के आज से हज़ारों साल पहले से, अशोका के टाइम से ये ट्रेडिशन जो है ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो रशिया जो है उसने अपना ऑफिस वहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशन जो नेटो में था वहाँ पे उसको बंद कर दिया, और बदले में ये कहा है कि जो नेटो का मिशन ऑफिस था मॉस्को में यानी रशिया की कैपिटल में, आप वो बंद कर दीजिए। तो इट इज़ लाइक अ टिट फॉर टैट, ये रिटेलिएशन है एक दूसरे के अगेंस्ट। दूसरी जो इथियोपिया नाम की कंट्री है, इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर आबी अहमद, आपको पता होगा इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है, तो ये नोबेल पीस प्राइज जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर ने अपने ही कंट्री के एक रीजन है जिसका नाम है टिग्रे रीजन, वहाँ पे अटैक कर दिया है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि नोबेल पीस प्राइज मिला है उनको, हाँ उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, वो इसलिए क्योंकि उनकी कंट्री का पिछले 22 सालों से इरिट्रिया नाम का एक कंट्री है जो उनका पड़ोसी कंट्री है, उनके साथ कुछ एक रीजन को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, तो इन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी और ये डिस्प्यूट काफ़ी सालों से चलता आ रहा था। तो फाइनली जब आबी अहमद जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये डिस्प्यूट जो है फाइनली इरिट्रिया के साथ सॉल्व किया, और इरिट्रिया के साथ जो है पीस हुई। तो उसी एफर्ट को जो है रिकोगनाइज करते हुए नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल पीस प्राइज दिया था, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट ने इनको नोबेल पीस प्राइज दिया था। लेकिन अब पीस प्राइज मिलने के बाद इनके कुछ इस डिसीजन के चलते जो है काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि अपने ही कंट्री के एक रीजन पे इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी, और वहाँ पे जो लोग हैं
उनके ऊपर जो वहाँ इथोपिया की मिलिट्री है दैट इज कमिटिंग एट्रोसिटीज, ऐसा कह सकते हैं, एलिजिडली दे आर कमिटिंग एट्रोसिटीज। सो इस चीज के लिए ये न्यूज में है। तो आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो या तो यही आएगा कि ये टिग्रे रीजन जो न्यूज में है ये कौन से कंट्री में है, तो इथोपिया, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, अबी अहमद। ठीक है, अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो इथोपिया की कैपिटल भी पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं हम इकोनॉमी पे। तो इकोनॉमी पे आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आई है, तो आपको पता ही है कि ये मंथली रिपोर्ट आती है स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, ये आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट आरबीआई मंथली पब्लिश करती है। तो इसमें आरबीआई ने कहा है कि जो हम ये ईजिंग, मॉनेटरी ईजिंग हमने जो पॉलिसी अपनाई हुई है हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसे ख़त्म कर देते हैं तो कंट्री में स्टैगफ्लेशन आ सकती है। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, यानी स्टैगनेशन आ जाती है, और साथ ही साथ उस टाइम पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा। तो स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन को कंबाइन करके एक टर्म बनती है स्टैगफ्लेशन। आया है कि अगर हम इसे कम करते हैं, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करते हैं, तो कंट्री में स्टैगफ्लेशन आ सकती है। इसीलिए हम जो है मॉनेटरी पॉलिसी एकदम से बिना सोचे समझे, जस्ट बिकॉज थिंग्स नॉर्मल नॉर्मेलिसी की तरफ जा रही हैं और दिख रही हैं जाते हुए, तो हम ये नहीं बंद करेंगे, क्योंकि अभी भी जो इकोनॉमी है वो एक थोड़ी फ्रेजाइल स्टेट में है। हाँ ये हील कर रही है, हाँ ये अच्छे से हील कर रही है, लेकिन हील हुई नहीं है हमारी इकोनॉमी। ठीक है, तो अभी भी जो है बीच में जो आपकी हीलिंग है वो सेक्टर वाइज सिमिलर नहीं है। कुछ सेक्टर बहुत अच्छे से रिकवर कर गए हैं, कुछ सेक्टर अभी भी जो है स्लंप में चल रहे हैं, कुछ सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है वो एवरेज है। सो वी हैव गॉट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, द अबव एवरेज, द एवरेज एंड द बिलो एवरेज। तो सबका माइंड में ध्यान रखते हुए आरबीआई के मैनेजमेंट ने ये कहा है अपनी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट में। ठीक है, तो इसके अलावा बस उन्होंने यही डिस्कस किया है। तो आरबीआई के गवर्नर आपको मालूम ही है, मिस्टर शक्तिकांता दास। तो अभी अभी वो यूएस भी जाके आए हैं, G20 में फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, और वर्ल्ड बैंक में सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी, IMF की मीटिंग हुई थी, तो उन सब में पार्टिसिपेट किया है, राइट? देन ये जो न्यूज़ है कि कोल क्राइसिस क्यों हुआ था, तो मैं इस पे नहीं ध्यान दूंगा बिकॉज हो चुका है, थिंग्स आर ऑलमोस्ट बैक टू नॉर्मल। सो इफ़ आप अगर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है, प्लस आरबीआई के साथ मैचिंग स्टेटमेंट जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो हमने पिछले साल स्टिमुलस दिया था, स्टिमुलस यानी एक जो एड पैकेज दिया था कब, पेंडेमिक को माइंड में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत के तहत जो एड पैकेज दिया था वो कंटिन्यू रहेगा, हम उसे विड्रॉ नहीं करेंगे। इनफैक्ट अगर रिक्वायरमेंट है तो हम और भी ज़्यादा हेल्प जो है करने के लिए तैयार हैं, ताकि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा अच्छे से रिकवर कर सके। तो दिस इज समथिंग दैट इज सिमिलर टू द आरबीआई स्टेटमेंट। ठीक है, देन DOT गिव्स टेलीकॉम कंपनीज, टेलकोज इज टेलीकॉम कंपनीज। तो DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो है टाइम लाइन डिफाइन कर दी है कंपनीज के लिए कि आप हमें बता दीजिए गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी निकाली है जिनमें इनको इंटरेस्ट के ऊपर, पेमेंट के ऊपर मॉरेटोरियम मिल रहा है 4 साल का। ठीक है, 4 ईयर मॉरेटोरियम ऑन द पेमेंट ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज एंड डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट चार्जेस जो है, अब क्या आप ये ऑप्ट कर रहे हैं या नहीं ऑप्ट कर रहे हैं? तो जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बता देता हूँ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या है, कि इसके लिए, इसको लेके कंपनीज और DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था, और ये केस जो है काफ़ी साल पुराना था, चलता चलता फाइनली इसका 2019 में जाके जो है वो आया है, डिसीजन आया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है DOT के फेवर में रूल किया। तो जैसे ही ये डिसीजन आया तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज थी उन सब के ऊपर जो अभी तक उन्होंने अपने पेमेंट्स नहीं की थी, तो उन पेमेंट्स के ऊपर पेनल्टी प्लस उन पेमेंट्स के ऊपर इतने सालों का इंटरेस्ट जो है वो इकट्ठा हो गया था, जिनके बाद
ज़्यादातर जो प्राइवेट कंपनीज थी जैसे कि एयरटेल हो गई या आपकी वोडाफोन हो गई, आइडिया हो गई, और इन सब कंपनियों के ऊपर जो डेट था यानी अब इनके ऊपर जो इनको पेमेंट करनी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब लाखों करोड़ों में पहुंच गई थी वो पेमेंट, लाइक 1.2 लाख करोड़ और 1.8 लाख करोड़ जो है पेमेंट ड्यू हो गई थी, जिसकी वजह से ये कंपनीज कह रही थी कि अगर हमें अब ये प्री पेमेंट करनी पड़ी तो हमें कंपनी बंद ही करनी पड़ेगी, हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट ने फिर सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्फिडेंस में लेते हुए एक नई पॉलिसी निकाली जिसमें कहा गया कि ठीक है आप इमीडिएटली ये पेमेंट मत कीजिए, क्योंकि इमीडिएटली करेंगे तो आपका पूरा फाइनेंस हिलेगा, आप 4 साल तक पेमेंट मत कीजिए, हम आपको मॉरेटोरियम दे रहे हैं, 4 साल के बाद आप इसे 10 साल के अंदर अंदर पे कर सकते हैं, तो हर साल आप हमें कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते जाइए, जिसके बाद आपका हम ये जो है सारा चार्जेस जो है पेड मानेंगे। तो कंपनियों को जो है टाइम दिया गया है कि आप बता दीजिए वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस और नॉट। तो अब कंपनियां सुनने में तो लगता है कि हाँ करेंगी ही करेंगी, बट अभी भी किसी ने रिटन में नहीं दिया है, वर्बली बहुत सारी स्टेटमेंट आई है बट रिटन में किसी ने नहीं दिया है, क्योंकि जब तक ये रिटन में नहीं देते तब तक डीओटी को श्योर नहीं होगा ना, क्योंकि डीओटी ने बजट में अपने रेवेन्यूज और अपना एक्सपेंडिचर दिखाना है। तो अगर ये कंपनियां मॉरेटोरियम ले रही हैं तो ऑब्वियसली इस साल के रेवेन्यू में डीओटी ये अमाउंट नहीं कैलकुलेट कर सकती है, तो अगर ये कंपनीज पे कर रही हैं तो डीओटी अपने रेवेन्यू में ये अमाउंट कैलकुलेट करेगी। तो गवर्नमेंट डीओटी ने कहा है कि 14 जनवरी 2022 तक आपको ये मेंशन करना है वेदर यू वांट टू ऑप्ट और यू डोंट वांट टू ऑप्ट, ठीक है, और तो और ये भी डिसीजन बताना पड़ेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे या नहीं, इक्विटी इन द सेंस कि जो जैसे कि अब कोई नहीं पे कर पा रहा है, कंपनी का एक लोन है वो कंपनी नहीं पे कर पा रही है, तो कंपनी क्या कहेगी, वो कहेगी कि हम इस लोन के बदले में आपको अपनी कंपनी के 40% 30% शेयर दे देते हैं, और जो भी यहाँ से मुनाफा आया जाया करेगा वो आज से ये कंपनी में 30% के आप पार्टनर, प्लस तो आगे चल के जो भी रेवेन्यू हुआ करेगा उसमें से भी आपको फ्लैट 30% मिला करेगा, बट हमारा ये लोन रीपे समझिए, ठीक है। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं उस नई टेलीकॉम पॉलिसी में दी गई हैं। सो डीओटी ने टेलीकॉम कंपनीज को ये लेटर लिख दिया है। देन आर्टिकल 4 कंसल्टेशन ऑफ आईएमएफ, ये भी हम कल की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सो डू वॉच दैट वीडियो। इसके अलावा ये छोटी सी न्यूज़ है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ने जो है ओपेक कंट्रीज को जो है कॉल करनी शुरू कर दी है। अब ओपेक कंट्रीज कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो इसके आगे एक छोटा सा प्लस भी डाला हुआ है। तो देखिए जो ओपेक कंट्रीज हैं वो टोटल 13 हैं, पहले ईरान भी मेंबर था और वेनेजुएला भी मेंबर था, तो उन दोनों ने छोड़ दी है इसकी मेंबरशिप, ठीक है, ओपेक कंट्रीज की मेंबरशिप, सॉरी कतर ने और इक्वेडोर ने ओपेक की मेंबरशिप छोड़ दी है, ईरान और वेनेजुएला तो अभी भी मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये 13 कंट्रीज मेंबर हैं। इसके साथ साथ रशिया भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, इसके साथ साथ US भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और भी 2-3 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे है, कनाडा है, बट ये ओपेक के मेंबर नहीं हैं। तो इन सबको भी जब कंबाइन कर देते हैं तो जितने मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं उन सबको ओपेक प्लस कहा जाता है, ठीक है। ओपेक एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है, ओपेक प्लस एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का हेडक्वार्टर्स जो है वो वियना ऑस्ट्रिया में है, लेकिन ओपेक प्लस का कोई ऐसा हेडक्वार्टर्स नहीं है। तो इंडिया ने फिर इन सब कंट्रीज के साथ जो है कॉन्टैक्ट करना शुरू किया है कि प्लीज आप अपना सप्लाई जो है वो इंक्रीज करिए, ताकि ये देखिए टू रेज द सप्लाई सो दैट प्राइस जो हैं क्रूड ऑयल के जो बहुत ज़्यादा हाई हैं, $85 पर बैरल पहुँच गए हैं, ठीक है, वो जो है डाउन आ सके। पिछली बार इतना प्राइस जो था वो अक्टूबर 2014 में था, इसीलिए जो पेट्रोल और डीजल है वो इतना महंगा होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर इन्होंने अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज ना की तो अभी पेंडेमिक के बाद जो रिकवरी हुई है उसके बाद डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, उसकी वजह से जो प्राइस है वो काफ़ी हाई चले जाएगा और इंडिया का पूरा जो फिस्कल बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा। वाई, बिकॉज हम अपनी कंजम्पशन का 80% इम्पोर्ट करते हैं और हमारा जो साल का बिल है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का
वो मोर देन 150 बिलियन डॉलर है, यानी हमारे डिफेंस बजट से डबल से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन ओपेक प्लस कंट्रीज़ को जो है कॉन्टैक्ट किया है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपना जो है आउटपुट उसे जल्दी से जल्दी हो सके इंक्रीज़ करें। तो ये जो इशू है, ये इंडिया ने सऊदी अरेबिया, यूएई, यूएस, रशिया, बहरीन के साथ जो है और ओपेक के सेक्रेटरी जनरल के साथ इंक्रीज़ किया, रेज किया। ठीक है, तो ये थी आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। आई होप आपको कुछ गेन करने को मिला होगा। सो अगर आपका कोई भी डाउट है, प्लीज़ डू टाइप इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। ठीक है, और एक बार ज़रूर इन सारी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रीड कीजिएगा और उसके बाद वीडियो देख के यू कैन कन्फर्म एंड यू कैन मेक योर नोट्स। थैंक यू।